पन्ना में डेंगू का प्रकोप, एक हफ्ते के अंदर डेंगू से हुई दूसरी मौत, बड़ा बाजार साईं मंदिर के पास रहने वाली 26 वर्षीय रिचा अग्रवाल की हुई मौत। खबरों के प्रायोजक है नरेंद्र होंडा बाइक शोरूम सलेहा, नरेंद्र होंडा बाइक शोरूम में पाए शानदार ऑफर। पन्ना नगर के अंदर लगातार डेंगू अपने पैर पसार रहा है, एक हफ्ते के अंदर दूसरी मौत होने से नगर में शोक की लहर एवं भय का माहौल व्याप्त है। बड़ा बाजार साईं मंदिर के पास रहने वाली 26 वर्षीय ऋचा अग्रवाल पिता राजेंद्र अग्रवाल का इलाज के दौरान दुखद निधन हो गया है। हाल ही में कुछ दिन पहले जांच के दौरान उनकी प्लेटलेट्स कम पाई गई थीं, जिसके बाद उनको सतना रेफर किया गया था। सतना में भी स्थिति में कोई सुधार न होने के बाद जबलपुर ले जाया गया, जहां पर उन्होंने दम तोड़ दिया। इतनी कम उम्र की बच्ची के खत्म हो जाने से शहर में शोक की लहर है एवं प्रशासन के प्रति डेंगू को लेकर किए जा रहे उपायों पर खानापूर्ति लोगों की नाराजगी का कारण बनता जा रहा है, क्योंकि अभी एक हफ्ता पहले 55 वर्षीय की मौत होने के बाद जिला प्रशासन पन्ना के द्वारा एडवाइजरी जारी की गई थी और लोगों को डेंगू से सचेत रहने की बात की गई थी। शहर के लोगों का आरोप है कि एडवाइजरी जारी करने से कोई निष्कर्ष नहीं निकलता है। जमीनी स्तर पर ना तो मलेरिया विभाग ना ही पन्ना नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार के डेंगू को लेकर कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। शहर में ना तो दवाइयों का छिड़काव हो रहा है, ना ही फॉग मशीन का उपयोग किया जा रहा है, जिससे शहर में डेंगू का लार्वा पनप रहा है। अगर जल्द जिला प्रशासन की नींद नहीं टूटी तो आगे भी डेंगू से कई मौतें और हो सकती हैं।